फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल हैंड। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बहुत ही न्यू डिज़ाइन की बैग बनाते हैं और ये हाफ मीटर कपड़ा है और यहाँ से मैं ऐसे स्ट्रिप निकाल लूँगी और 3x17 इंचेस के इसके दो पार्ट हमें कट करने हैं। स्ट्रिप को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमने स्ट्रिप को कट कर लिया है और इसे हमें साइड में रख देंगे। और देखिए, ये जो बचा हुआ कपड़ा है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, इसी के नाप से फॉर्म और नॉनवन कट करना है। अगर दोस्तों आपके पास फॉर्म और नॉनवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप राइस बैग, बुकरम या फिर कुछ कपड़ा भी यूज़ कर सकती हैं, सख्त कपड़ा। तो दोस्तों इसमें हम क्विल्ट कर लेंगे। तो क्विल्ट करने के लिए देखिए, यहाँ से हमने ऐसे स्टिच किया है और यहाँ पर 1x1 लाइन कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट को इस तरीके से जोड़ लिया है। अब देखिए, इसका मैं आपको नाप बताती हूँ, 17x10 इंचिस। हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है और ऊपर की ओर हमें 1 इंचिस पे मार्क करना है। देखिए, कुछ इस तरीके से हमें मार्क करना है। यहाँ पे हमें 1 इंचिस पे दोनों साइड मार्क कर लेना है और नीचे की ओर भी हम 1 इंचिस पे मार्क करेंगे इस तरीके से, और 1x1 का एक स्क्वायर बनाएंगे और उसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे जो ऊपर निशान हमने किया था उसे ऐसे मिला के लाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ से कट कर लेंगे इस तरीके से, और इसे फोल्ड करके दूसरी साइड भी हमें कट कर लेना है इसी के नाप से। तो देखिए दोस्तों, हमने कट कर लिया है और जो दूसरा हमारा पार्ट था उसके ऊपर हमें ये पार्ट रखना है और इसी के नाप से हमें कट कर लेना है। और जो हमने स्ट्रिप पहले कट की थी उसे हमें ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें हैंगर को अटैच करना है और आप सेंटर में जितनी भी जगह रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। तो हैंगर हमारे अटैच हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, एक पार्ट में हमें एक ही हैंगर अटैच करना है और दूसरा हैंगर हमें दूसरे पार्ट में अटैच करना है इस तरीके से। अब हम जिप को लेंगे, जो ऊपर का है उसी के नाप से हमें जिप को लेना है और ऐसे स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद हम जिप को खोल लेंगे और दूसरी साइड अटैच कर लेंगे और फिर हमें यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेनी है। प्रेस स्टिच दोनों साइड करने के बाद हम जिप के अंदर रनर को डाल देंगे। तो दोस्तों, अगर आपका जिप के अंदर रनर नहीं जा रहा है तो आप अंदर की ओर से थोड़ा सा सीजर का जो नुकीला पार्ट है वो डाल के ऊपर कर सकते हैं तो आसानी से चला जाएगा। अब हम इसे उल्टा करके साइड में स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके की पतली सी स्ट्रिप लेनी है और इसे फोल्ड करते हुए स्टिच करना है ताकि रेसे ना निकले। तो देखिए, इस साइड हमने कर ली है, उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच करना है। दोस्तों, नॉनवन नहीं है इस तरीके का तो आप शॉपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं, वैसी ही आती है। अब हम यहाँ कॉर्नर पर ऐसे स्टिच कर लेना है। अब फिर से वहाँ पे भी हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे ऐसे फोल्ड करते हुए। दूसरी साइड भी हम उसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, दोनों साइड हमने स्टिच कर लिया है और ऐसा दूसरा पार्ट भी हमने बना लिया है, जो हमारा दूसरा पार्ट था। अब क्या करना है, दोनों हैंगर को हमें सेंटर में ऐसे, जो हैंगर अटैच किया था वो सेंटर में रखना है और यहाँ पे हमें स्टिच करना है दोनों को जोड़ते हुए। नीचे का पार्ट है जो उसे हमें पीछे की ओर पुश करना है और फिर हमें स्टिच करना है ताकि वो जो दूसरा पॉकेट है वो बंद ना हो जाए, उसका हमें ध्यान रखना है।
तो देखिए यहाँ पे बहुत ही पेस वाला बॉटम वाला डिज़ाइनर बैग हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही यूज़फुल सा हमारा शॉपिंग बैग रेडी हो गया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों आपको ज़रा सा भी ये वीडियो उपयोगी लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, बाय बाय।